IRCTC ने आस्था ट्रेन और तेजस ट्रेन के लिए जारी की NFT टिकट्स। स्टार ट्रेक कलेक्टेबल्स की लेटेस्ट कलेक्शन हुई लॉन्च। कोर फाउंडेशन लेकर आ रहा है एक नई NFT मार्केटप्लेस। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। IRCTC की NFT टिकटिंग पहल से लेकर स्टार ट्रेक के रियल लाइफ फिगरीन्स तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। क्रिप्टो करेंसीज में पिछले हफ्ते आई गिरावट का असर NFT मार्केट पर भी देखा गया। पिछले 7 दिनों में NFT सेल्स करीब 16% गिरकर टोटल $358 मिलियन रही। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक वीकली NFT सेल्स के हिसाब से टॉप 3 ब्लॉकचेन सभी में वीक ऑन वीक गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते भी टॉप पर रही इथेरियम, जिसने करीब 21% की गिरावट के साथ $129 मिलियन सेल्स दर्ज की। तो वहीं दूसरे पायदान पर रही बिटकॉइन NFTs ने भी करीब 20% गिरावट के साथ $124 मिलियन सेल्स दर्ज की। तीसरे पायदान पर रही सोलाना, जिसने 5% गिरावट के साथ $61.68 मिलियन सेल्स अपने नाम की। तो वहीं चौथे और पांचवें पायदान पर रही पॉलीगॉन और BNB चेन। पिछले हफ्ते लीडिंग NFT कलेक्शंस रही अनकैटेगराइज्ड ऑर्डिनल्स, जिसने 43% उछाल के साथ $57 मिलियन सेल्स दर्ज की। तो वहीं सेकंड हाईएस्ट NFT कलेक्शन रही BAYC, जिसने 14% बढ़त के साथ $13 मिलियन सेल्स अपने नाम की। NFT टिकट की गाड़ी तेजी पकड़ रही है, क्वाइट लिटरली, क्योंकि IRCTC ने अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन और दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन के लिए NFT टिकट्स जारी की हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर IRCTC ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया आस्था। IRCTC ने 200 आस्था ट्रेन शुरू की हैं, जो भारत की 66 लोकेशन से श्रद्धालुओं को अयोध्या तक का सफर तय करा रही हैं। इस ट्रेन के टिकट बतौर NFT जारी की जा रही है, जो न सिर्फ ब्लॉकचेन पर दर्ज होगी बल्कि श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन के लिए एक सुंदर यादगार की तरह काम करेगी। यात्री IRCTC आस्था ट्रेन वेब एप्लीकेशन के जरिए एक्सक्लूसिव डिजिटल कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं, जो उन्हें सुविधा अनुसार कई भाषाओं में पहुंचाया जा रहा है। IRCTC की इस ऐप में कई भाषाओं में ऑडियो फीचर भी उपलब्ध है, जो यात्रा और अन्य सुविधाओं के बारे में जरूरी जानकारी देता है। इतना ही नहीं, IRCTC की तरफ से मुहैया कराई गई बुकलेट गाइड की मदद से यात्री अयोध्या में मौजूद और भी कई धार्मिक धरोहरों के बारे में जान सकते हैं। उससे उनके आध्यात्मिक सफर का अनुभव और बेहतर होगा। IRCTC ने इस NFT प्रोजेक्ट को दिल्ली लखनऊ रूट के लिए तेजस ट्रेन की टिकट के साथ आगे बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बात यह है कि ये टिकट्स होली के पावन अवसर पर जारी की जा रही हैं। यानी दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली दो तेजस ट्रेन्स के लिए ये NFT टिकट सिर्फ 20 मार्च से 2 अप्रैल तक उपलब्ध होंगी। रंगों से भरे इस होली के त्योहार की पूरी छवि छलक रही है इन रंगीली NFT टिकट्स में, जिसे यात्री अगर चाहें तो अपनी तस्वीरों के साथ थोड़ा पर्सनलाइज टच दे सकते हैं। साथ ही यात्री कुछ चुनिंदा ब्रांड्स की तरफ से एक्सक्लूसिव ऑफर्स का मजा भी उठा सकते हैं। IRCTC के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शोकेस की गई NFTs पर दिल्ली और लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरत तस्वीरें उकेरी गई हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर ध्रुपद दास का। वेलकम टू 3.0 TV। IRCTC ने आस्था ट्रेन और तेजस ट्रेन के लिए NFT टिकट्स जारी की हैं। आप इस पहल को कैसे देखते हैं और इसे Web3 अवेयरनेस में कितना फायदा होगा? IRCTC is issuing tickets as NFTs on the blockchain. This means that these tickets double up as digital collectibles. That's a big deal for the NFT community, as well as for the entire train passenger community as well. And I'm sure that it's going to do two things. First, introduce the mass of Indian train passengers to the Web3 ecosystem, full points. And two, it's going to create a community of Indian train passengers that last longer than the journey itself. We know that these communities exist during the journey. We've all experienced it. So even though I have yet to study the technical aspects of how these tokens are actually being issued, I do know that they are being issued on Polygon, and there is a traceability solution provider called NFT Trace that's behind them. That's what we know for sure. So now to see how it actually plays out, how the users interact with this, and hopefully I want to get my hands on one of these tickets and see it for myself. Thank you so much हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। स्टार ट्रेक फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। वो अब अपने आइकॉनिक स्टार ट्रेक कैरेक्टर्स के लिए रियल वर्ल्ड फिगरीन कलेक्ट कर सकते हैं।
स्टार ट्रेक कलेक्टिबल्स की कामयाबी के बाद फंको ने एक बेहद उत्साह के साथ अपनी नई कलेक्शन स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के अपकमिंग रिलीज की अनाउंसमेंट की है। इस कलेक्शन ने 12 मार्च को डेब्यू किया था। साइंस फिक्शन फैंस और एनएफटी लवर्स के लिए ये एनएफटी कलेक्शन वैक्स की ड्रॉप मार्केटप्लेस पर अवेलेबल है। फैंस स्टार ट्रेक कैरेक्टर्स को फीचर कर रहे इन डिजिटल कार्ड्स को ओन कर सकते हैं। द स्टार ट्रेक डिजिटल पॉप सीरीज 2 डिस्टिंक्ट एडिशंस में डेब्यू करेगी। स्टैंडर्ड पैक 18,000 पैक ऑफर करने वाली इस कलेक्शन में 5 एनएफटी आइटम्स होंगी जिनका प्राइस होगा $9.99। तो वहीं प्रीमियम पैक एडिशन में भी 18,000 पैक्स होंगे लेकिन इसमें 17 डिजिटल एसेट की कलेक्शन होगी। इतना ही नहीं, कलेक्टर्स जिनके पास ग्रेल, लेजेंडरी या रॉयल्टी सेट है उन्हें रिडेम्पशन टोकन अवार्ड दिया जाएगा। इसमें आइकॉनिक स्टार ट्रेक कैरेक्टर्स के रियल वर्ल्ड फिगरीन को ओन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फंको की लेटेस्ट स्टार ट्रेक सीरीज कलेक्शन में डिजिटल और फिजिकल एलिमेंट्स मर्ज करके फैंडम के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स को एनहांस किया जा रहा है। एनएफटी मार्केटप्लेस की लिस्ट में एक और नई एनएफटी मार्केटप्लेस का नाम जुड़ गया है। कोर फाउंडेशन, जिसका एम डैप्स के लिए सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम क्रिएट करना है, लॉन्च कर रहा है एक नई एनएफटी मार्केटप्लेस। फाउंडेशन अपनी कम्युनिटी के लिए एक एनएफटी कलेक्शन ड्रॉप भी करेगी जिसका नाम है कोर जर्नी। इस एनएफटी कलेक्शन का फोकस है कोर चेन के लिए स्ट्रॉन्गर यूटिलिटी क्रिएट करना। कोर ब्लॉकचेन बिटकॉइन की एडवांटेजेस को लेवरेज करेगी, साथ ही ये नेटवर्क ईवीएम कंपैटिबल भी होगा ताकि इस पर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप भी रन कर सके। वेबसाइट के मुताबिक इस मार्केटप्लेस पर 50 आर्टिस्ट द्वारा क्रिएट की गई 20,000 एनएफटीज होस्ट की गई हैं। इसके साथ ही कोर बिल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम भी रोल आउट करेगा। कोर इग्निशन नाम का ये प्रोग्राम नेटवर्क की ग्रोथ में डेवलपर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज भी करेगा। कोर इग्निशन यूजर्स को एंगेज करने के साथ ही रिवॉर्ड्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज देगा ताकि कोर की ग्रोथ और अडॉप्शन बढ़े। वेल, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ एनएफटी वर्स। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन एनएफटी की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आप ले लाती रहूंगी। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3TOTO TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wasive.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।